नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं 18 मिनट में राजस्थान। जयपुर में आज कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल बैठक करेंगे, जिसमें पिछले 6 महीने के निर्णयों पर समीक्षा की जाएगी। वनडे के मामले में राज्य के केंद्रीय अनुदान में बड़ी कटौती हुई है। सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को वित्त विभाग की समीक्षा की और नए सिरे से विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने के निर्देश दिए। सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी पर पहले धर्म के नाम पर और अब राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। जयपुर में महिलाओं के सम्मान में एकल नारी शक्ति संगठन में बोलते हुए सीएम गहलोत ने महिलाओं को आगे आकर अपनी समस्या खुद सुलझाने की अपील की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ने बदलाव की मिसाल एकल महिलाएं पुस्तक का विमोचन किया। डिप्टी सीएम सचिन पायलट मंगलवार को नागौर के डीडवाना दौरे पर रहे, जहां पायलट ने निमोद गांव में शहीद बीएसएफ के जवान की मूर्ति के अनावरण समारोह में भाग लिया। डिप्टी सीएम पायलट ने निकाय चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन का दावा किया। इसके साथ ही खींवसर उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एक दिवसीय जालौर के सांचौर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पथमेड़ा गोधाम गौशाला के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह में भाग लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आबू रोड पहुंचे, जहां उनका भाजपा पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान पूनिया ने सीएम अशोक गहलोत पर कटाक्ष भी किया, साथ ही स्टेट टोल टैक्स के फैसले को गलत ठहराया। जयपुर में पीसीसी कार्यालय में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जनसुनवाई की। धारीवाल की जनसुनवाई में 200 से ज्यादा परिवादी अपनी शिकायतें और सरकार को सुझाव देने पहुंचे। अलवर में श्रम मंत्री और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष टीका राम जुली ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जुली ने कहा कि अलवर में 15 साल से जारी बीजेपी का राज खत्म होने वाला है। प्रदेश में तबादले के बाद कार्यग्रहण नहीं करने वाले 371 प्रिंसिपल के खिलाफ शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा के निर्देश के बाद इन प्रधानाचार्यों की ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने पर 17 सीसीए का नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में कश्मीर दौरे के बाद वुमन इंडिया मूवमेंट की महिला पदाधिकारियों ने धारा 370 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कश्मीर के हालात पर उन्होंने चिंता जताई और सुधार की जरूरत बताई। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने चौमू एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चौमू में पिछले दिनों हुई बैठक में वर्तमान विधायक की जगह पूर्व विधायक को बुलाकर एसडीएम ने बैठक की अध्यक्षता करवाई थी। चूरू के तारानगर में विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और मरीजों से फीडबैक लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भरतपुर शहर के कांग्रेस अध्यक्ष संजय शुक्ला ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और शहर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। निकाय चुनाव में नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। 8 नवंबर को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे, वहीं 9 नवंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। जयपुर में कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर कंट्रोल रूम बनाया है, जिससे 49 निकाय सीटों पर इस कंट्रोल रूम से निगाह रखेगा। बाड़मेर के बालोतरा नगर परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया, इस दौरान विधायक मदन प्रजापत भी मौजूद रहे। राजसमंद की आमेट नगर पालिका के लिए बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया, इस दौरान बीजेपी के सभी वार्ड पार्षद जुलूस के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। सिरोही नगर परिषद क्षेत्र से नामांकन के आखिरी दिन 35 वार्डों के लिए 161 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। अब तक सिरोही नगर परिषद में 191 प्रत्याशियों ने 245 नामांकन भरे हैं। चूरू की सादुलपुर नगर पालिका चुनाव के लिए अंतिम दिन कुल 114 नामांकन पत्र दाखिल हुए। नामांकन के अंतिम दिन मिनी सचिवालय में पूरे दिन गहमा गहमी का माहौल रहा। पाली में नगर परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। निकाय लॉटरी में इस बार सभापति का पद महिला ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। निकाय चुनाव में ईवीएम से मतदान होगा। अजमेर जिला निर्वाचन अधिकारी विश्व मोहन शर्मा ने ईवीएम मशीनों को लेकर सभी अधिकारियों की बैठक ली। चूरू में असम की युवती से गैंगरेप की घटना सामने आई है। दरिंदों ने शादी का झांसा देकर युवती को असम से बुलाया और 6 दिनों तक होटल के कमरे में बंधक बनाकर गैंगरेप किया। अजमेर में एक युवक ने अपने पड़ोस में रहने वाली 4.5 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया और मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। उदयपुर में मानव तस्करी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 29 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया। सभी बच्चों को गुजरात बाल मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था।
धौलपुर में लादेन को छुड़ाकर ले जाने के मामले में कंचनपुर थाना पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों कुख्यात बदमाश ओमवीर उर्फ लादेन गुजर को बदमाश पुलिस हिरासत से छुड़ाकर ले गए थे। बाड़मेर के रमणिया गांव में घूसखोर पटवारी गोविंदराम माली को एसीबी ने दबोचा है। जालौर एसीबी ने पटवारी को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। करौली में एटीएम से रुपए निकालकर जा रहे व्यक्ति से एक युवक पैसे छीनकर भागने लगा, जिस पर पीड़ित व्यक्ति ने चिल्लाने पर लोगों ने बदमाश को पकड़ा और जमकर धुनाई की। अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी पर रेप का आरोप, मामले में पीड़िता ने एसपी से मुलाकात की और जल्द कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। कोटा के रामपुरा सैटेलाइट अस्पताल में संविदा कर्मियों के ठेके को लेकर ठेकेदार और संविदा कर्मियों में चल रहा विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया है। पूरी पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर के बोखला गांव में कुएं में मां बेटे के शव मिलने के बाद से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। अलवर में एक मकान में युवक का शव फंदे से संदिग्ध अवस्था में लटका हुआ मिला, जिस पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर के खैरथल आबकारी थाना की टीम ने दोहरा गांव में हथकड़ शराब बनाने की 13 कारखानों पर दबिश दी, जिसके बाद 13 भट्टियां और 7,000 लीटर वॉश नष्ट करवाया और 200 लीटर हथकड़ शराब जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा की मंडल थाना पुलिस ने हरियाणा निर्मित 470 पेटी शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया है, साथ ही ट्रक ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार किया है। सवाईमाधोपुर की विशेष कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 30,000 का जुर्माना लगाया है। अजमेर में मांगलियावास थाना इलाके में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी दो भाइयों को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 20-20 साल की सजा सुनाई, जबकि दोनों भाइयों पर 50-50,000 का जुर्माना लगाया है। कोटा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई और 35,000 का जुर्माना भी लगाया है। उदयपुर के देवाली इलाके में भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के बाद देर रात को कार्यकर्ताओं ने शराब ठेके के बाहर जमकर उत्पात मचाया। वार्ड एक भाजपा प्रत्याशी मुकेश गमेती के समर्थकों ने शराब के नशे में वहां खड़ी कई गाड़ियों के कांच फोड़ दिए। करौली के हिंडौन सिटी में एक प्लास्टिक पाइप के गोदाम में आग लग गई, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आग से लाखों के पाइप जलकर खाक हो गए। कोटा में आवारा जानवर ने एक युवक की जान ले ली, बाइक सवार गाय से टकराने पर घायल हो गया, जिसने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। गुजरात के अहमदाबाद से कुंभलगढ़ घूमने आए एक ही परिवार के 3 लोग ओडा तालाब में गाड़ी से डूब गए, जिनमें से 1 शव मिल गया, जबकि गोताखोर 2 शव की तलाश में जुटे हैं। करौली में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है, जहां भैंसा गांव में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 20 से अधिक लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें इलाज के लिए इंडौन सिटी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जोधपुर शहर में डेंगू के जानलेवा होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य अधिकारियों का घेराव किया और शहर में डेंगू पर काबू पाने की मांग की। चूरू में भी 30,000 रिकॉर्ड में हुए पुलिस और वकील विवाद का असर देखने को मिला है। पुलिस ने घटना के विरोध में मैस का बहिष्कार किया, वहीं पुलिसकर्मियों के परिजनों ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की गुहार लगाई। झुंझुनू में उदयपुर वाटी कस्बे के सरकारी स्कूल प्रिंसिपल ताराचंद समोता को एपीओ किया गया, जिसके विरोध में छात्रों ने स्कूल के ताला लगाकर प्रदर्शन किया और एपीओ रद्द करने की मांग की। सवाईमाधोपुर के मखोली गांव में दबंगों द्वारा गरीब परिवार को डरा धमकाकर जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिस पर पीड़ित परिवार ने एसपी को ज्ञापन सौंप कर न्याय की गुहार लगाई। जनता को जल्द न्याय देने के मकसद से गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने 6 जिलों में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना करने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर में जिला सेशन न्यायाधीश स्तर के पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना करने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में स्कूलों के जरिए गहलोत सरकार जेंडर इक्विटी का सपना साकार करेगी, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर अभिषेक भागोटिया ने इस सिलसिले में कई संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक ली। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। प्रदेश में भी सुरक्षा को लेकर डीजीपी ने सभी रेंज आईजी, एसपी, कमिश्नर और डीसीपी की मीटिंग ली, जिसमें डीजीपी ने सभी अधिकारियों को प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के निर्देश दिए। बता दें कि इस नवंबर अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है।
महातूफान को लेकर मौसम विभाग ने राजस्थान में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान महा का असर गुजरात महाराष्ट्र में सबसे अधिक दिखाई देगा। देश के 117 कॉलेजों में आज से स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग और RSLDC के बीच MOU होगा। इसके लिए शुरुआत में करीब 5 करोड़ का बजट तय किया गया है। कोटा के MBS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना ने मेडिसिन वार्ड का दौरा किया। इस दौरान अव्यवस्था और गंदगी को लेकर नाराजगी जताई, साथ ही स्टाफ को व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए। जयपुर में JDA के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और खून आगुरेन जामडोली और सिरसी गांव में करीब 9 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी निर्माण पर रोक लगाई। अजमेर डिस्कॉम की ओर से बिजली उपभोक्ताओं की परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से हाथीबाटा और पावर हाउस में MD VS भाटी ने जनसुनवाई की और VCR संबंधित केसों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जयपुर में आगामी 9 और 10 नवंबर को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में देश भर से सैकड़ों प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। डूंगरपुर में सालों से वीरान पड़ी फल और अनाज मंडी एक बार फिर से आबाद होगी। 1 दिसंबर से मंडी की शुरुआत हो जाएगी, जिसका काम अब प्रगति पर है। प्रदेश में रबी सीजन के लिए बुआई जोर पकड़ने लगी है। प्रदेश में अब तक 27 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में बुआई हो चुकी है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार रबी की बुआई का क्षेत्रफल 1 करोड़ हेक्टेयर का आंकड़ा छू सकता है। चूरू के तारानगर में रिटायर्ड महिला प्रोफेसर सुमनलता सामाजिक सरोकार निभाते हुए बीते 8 सालों से छात्राओं को स्वेटर बांट रही है। सुमनलता ने अपने पोते के जन्मदिन पर स्कूल की 101 छात्राओं को स्वेटर वितरित किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला धीरे धीरे परवान पर चल रहा है। मेला स्टेडियम में दूसरे दिन कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विदेशी सैलानियों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जयपुर में फ्लोरल आर्ट वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें वेस्ट सामग्री से कई डिजाइन ऑफ फ्लावर ज्वेलरी की तकनीकों का प्रदर्शन हुआ। जयपुर के झोटवाड़ा स्थित माता दाधीमती मंदिर में अन्नकूट का आयोजन किया गया। इस दौरान माता का भव्य दरबार सजाया गया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में हनुमान मंदिर पर अन्नकूट और भंडारा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रतापगढ़ के नटेला गांव में मगरमच्छ आ जाने से हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की रेंजर टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू कर नागलिया बांध में छोड़ दिया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में छात्राओं ने एक मानव श्रृंखला से एक आकृति तैयार की। इसका मकसद लोगों को महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर जागरूक करना था। कतर के दोहा में खेली जा रही 14वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर के विवान कपूर ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं अपूर्वी चंदेला ने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया है। वहीं इस प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी मनीषा कीर के साथ विवान कपूर ने मिक्स डबल्स में गोल्ड मेडल जीता, जबकि अपूर्वी अंजुम और एल्वेनाइल की टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया। बेंगलुरु से भारतीय क्रिकेटर निशांत सिंह शेखावत को सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी कर्नाटक प्रीमियर लीग मैच फिक्सिंग मामले में हुई है। गेंदबाजी कोच वीनू प्रसाद पहले ही फिक्सिंग मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी कस्बे में आर्यवीर दल की ओर से 7 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी आज अति पिछड़े जिले में से 30 जिलों की प्रगति के बारे में जानने के लिए वहां के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। पीएम के साथ होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य सरकार मार्च 2018 से लेकर अब तक इन जिलों में प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में हुए सुधार का लेखा जोखा रखेगी। आज शाम 6 बजे संसद परिसर में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस दौरान कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान महा अब और अधिक शक्तिशाली हो गया। इसी वजह से गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मछुआरों को समुद्र में न उतरने की सलाह भी दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस पहली बार सड़क पर प्रदर्शन करने उतरी। कई बड़े अधिकारियों के समझाने के बाद दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से प्रदर्शन खत्म हो गया। इस प्रदर्शन को लेकर गृह सचिव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।
इससे पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सभी मांग माने जाने का आश्वासन भी दिया, जिसमें घायल पुलिसकर्मियों का इलाज करवाने और घायलों को 25,000 रुपए मुआवजा देने की भी बात शामिल है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल और दिल्ली बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है। इस मामले में आज सुनवाई होगी। केंद्र ने आरोपी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर गहरी चिंता जताई थी। दिल्ली में ऑड इवन का आज तीसरा दिन है। सड़कों पर आज सिर्फ इवन नंबर की गाड़ियों को एंट्री मिलेगी। वहीं मंगलवार को ऑड इवन को लेकर 562 चालान काटे गए थे। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए किए गए उपायों का असर दिखना शुरू हो गया। कई इलाकों में हवा में प्रदूषण की मात्रा घटकर 300 से नीचे आ गई है। दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच जारी जंग के बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज बहत्तर साल में पहली बार पुलिस प्रदर्शन के लिए उतरी। सुरजेवाला ने कहा कि क्या यही है बीजेपी का न्यू इंडिया। आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से बड़ी राहत मिली है। लाभ के पद के मामले में विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग से लड़ने की से बात करने के बाद ये फैसला लिया। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर जारी कश्मकश के बीच देवेंद्र फडणवीस ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। नागपुर में हुई ये मुलाकात करीब एक घंटे तक चली। इस दौरान संघ सर कार्यवाह भैयाजी जोशी भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के विरोध में के बीच एनसीपी और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों के हालात पर सीएम देवेंद्र फडणवीस को घेरा। कांग्रेस और एनसीपी बारिश से फसल के नुकसान को लेकर किसानों को बेहतर मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। अयोध्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अल्पसंख्यक विभाग की ओर से मुस्लिम नेताओं और आरएसएस से जुड़े लोगों की एक बैठक दिल्ली में हुई, जिसकी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ये बैठक ली। बैठक में फैसले के बाद सामाजिक सौहार्द पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज लखनऊ में पार्टी नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में मायावती बड़े स्तर पर संगठन में फेरबदल कर सकती हैं। संविधान लागू होने के 70 साल पूरा होने के मौके पर संसद का संयुक्त सत्र बुलाया गया है। 26 नवंबर को विशेष सत्र होगा, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र बैंक के ग्राहक अब अपने खाते से 50,000 रुपए तक निकाल पाएंगे। आरबीआई ने पीएमसी के खाताधारकों के लिए निकासी की सीमा 10,000 रुपए तक बढ़ाई है। पीएमसी बैंक के ग्राहक खाते से पैसे निकालने की सीमा का लगातार विरोध कर रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने मंगलवार को दिल्ली में जम्मू कश्मीर से आए अलग अलग मजहबों के गुरुओं से मुलाकात की। इन धर्मगुरुओं से मुलाकात के बाद जनरल रावत ने कहा कि एक राष्ट्रीय सद्भावना टूर है, ये संदेश है जो हम घाटी के सभी लोगों तक भेजना चाहते हैं। करतारपुर गलियारे के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाने से पहले पंजाब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की तस्वीरों वाले पोस्टर देखने को मिले, जिस कारण पंजाब में सियासत फिर गर्मा गई है। करतारपुर गुरुद्वारा ननकाना साहिब के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। अटारी बॉर्डर वाघा बॉर्डर से ये जत्था रवाना हुआ। बता दें कि गुरु नानक जी के 550वें प्रकाशोत्सव के मौके पर शनिवार को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन होने वाला है। बैंक फ्रॉड केस में सीबीआई ने एक साथ 169 जगह पर छापेमारी की। सीबीआई की टीम ने आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात समेत करीब 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की करीब 169 ठिकानों पर छापेमारी की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस ने बड़ी संख्या में गांजे की खेप बरामद की। बरामद गांजे का वजन करीब 725 किलो है। ये गांजा केले से लदे एक ट्रक में ले जाया जा रहा था। मुंबई में मलाड के परमार हाउस इंडस्ट्रियल एस्टेट के गोदाम में देर रात आग लग गई। मौके पर पहुंची 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। यूपी के प्रयागराज में एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जानवरों को खाना देने को लेकर बवाल हुआ। मोहल्ले की महिलाओं ने जानवरों को खाना खिलाने वाले परिवार की महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है।
प्याज और टमाटर के दामों में एक बार फिर उछाल आया है। जहां प्याज 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है, तो टमाटर भी 40 से 50 रुपए किलो पहुंच गया है। अरब सागर से उठे चक्रवात